आपके ब्लॉग में लोग रोते क्यों हैं? तुम्हारा कुछ काम धाम नहीं है, तुम रोज वीडियो। आप बार बार हाथ क्यों काटते हो? सिंगर भाभी कौन है? आप रोज जंगल क्यों जाते हो? आखिर आप लोग रोज डंडा लेकर जंगल क्यों जाते हो? कॉमेडी बुआ कहाँ गई आजकल? आपको रोज कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आप नई गढ़वाली फिल्म कब बनाओगे? आपके ब्लॉग में लोग गाने क्यों लगाते हैं? आखिर आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक और नए क्यू एंड ए ब्लॉग की। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के सवाल और हमारे जवाब, तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके ब्लॉग में लोग रोते क्यों हैं? तो बताइए पहाड़न जी, क्यों रोते हैं लोग? मैं आपको बता दूं कि लोग हमारे ब्लॉग में रोते नहीं हैं। तो दोस्तों, जैसे लोग जंगल में पुराने गाने सुनाते हैं, जिस कारण महिलाओं को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं या फिर पुरानी यादें याद आ जाती है, जिस कारण वो भावुक मतलब एकदम व्याकुल हो जाती हैं, जिस कारण वो रो जाती है। यही कारण है हमारे ब्लॉग में महिलाएं रोती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, आप बार बार हाथ क्यों काटते हो? तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा, नाम ही मैंने चैनल का पहाड़न रखा है, तो काम ही मेरा पहाड़ों वाला है, जबरदस्त काम। हर रोज जंगल जाना, घास काटना, और जंगल तो आपको पता ही होंगे कितने खतरनाक जबरदस्त होते हैं। जंगल का नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाती है, तो इसीलिए बार बार हाथ कट ही जाता है। जानबूझकर कोई नहीं काटता है दोस्तों, हाथ कट ही जाता है और सबके काट करते हैं। मैं तो चलो वीडियो बताती हूँ, इस माध्यम से आपको पता चल जाते हैं, लेकिन लोग नहीं बना पाते हैं वीडियो, जिस वजह से लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसी वजह से रोज हाथ करते हैं दोस्तों, क्या करें तब। तो अगला सवाल है यहाँ पे, आपकी भाभी जंगल क्यों नहीं जाती है? तो दोस्तों, मेरी भाभी इसलिए जंगल नहीं जाती है क्योंकि हमारे पास गाय बच्ची जो है ठीक है मात्रा पर उपलब्ध है, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। जिस प्रकार जो मैं घास लाती हूँ वही पूरा हो जाता है, तो इसलिए भाभी जंगल नहीं जाती है। तो अगले सवाल की शुरुआत करते हैं, आप वीडियो किस फोन से बनाते हो? दोस्तों, मैं वीडियो रियलमी फोन से बनाती हूँ, और कैसी लगती है आपको जरूर बताना क्वालिटी। तो अभी अगला सवाल है यहाँ पे, आप रोज जंगल क्यों जाती हो? तो दोस्तों, रोज जंगल इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे घर में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, खास करके बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं रोज जंगल जाती हूँ घास के लिए, क्योंकि जंगलों में अपना टाइम पास हो जाता है, और जब जंगल जाते हैं जंगल से घर आने का मन ही नहीं करता, इसलिए रोज जंगल जाती हूँ मैं। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो अगला सवाल है यहाँ पे, सिंगर भाभी कौन है? दोस्तों, सिंगर भाभी जो है मेरी पड़ोसन है, और अक्सर आप लोगों ने उन्हें मेरे ब्लॉग में देखा होगा, और काफी अच्छी आवाज भी उनकी है। तो दोस्तों, सिंगर भाभी को भी खूब सपोर्ट कीजिएगा हमारे ब्लॉग पर, ताकि वो हमारे साथ और भी बनी रहे, जुड़े रहे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, आप गढ़वाली फिल्म कब बनाओगे? तो दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द गढ़वाली न्यू फिल्म आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ, जिसमें मेरे पुराने जो कलाकार हैं उनके साथ ही नए कलाकार भी जुड़ने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द एक गढ़वाली प्यारी सी न्यू फिल्म आने वाली है। तो आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहेगा न्यू गढ़वाली फिल्म का। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे सवालों की ओर। तो अगला सवाल है यहाँ पे, आप गढ़वाली में ब्लॉग क्यों नहीं बनाती की? तो दोस्तों, गढ़वाली में ब्लॉग बनाना सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हम ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, यह कारण है क्योंकि हमारे ब्लॉग जो है दोस्तों उत्तराखंड वाले ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी देखते हैं, जिससे कि वो हमारी गढ़वाली को थोड़ा कम समझ पाते हैं, जिस वजह से वो बोलते हैं कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो हमें मजबूरन हिंदी में बोलना पड़ता है। अपने जो पहाड़ की जितनी भी चीजें हैं सब हिंदी में दर्शानी पड़ती है, इसीलिए हम गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बनाते हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, अगला सवाल है यहाँ पे, आपको रोज ब्लॉग में कंटेंट बनाने में परेशानी भी होती है कि? जी नहीं, मुझे रोज ब्लॉग में कंटेंट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि मुझे खुशी होती है कि हाँ भाई मैं कर रही हूँ, मेहनत सक्सेसफुल हो रही है, और आप लोगों के सहयोग से ही मेरा जो कंटेंट बनता है बहुत ही अच्छा बनता है, और बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे,
पहाड़ी बाइकर को जानते हो क्या? बिल्कुल, और पहाड़ी बाइकर को सिर्फ हमारे रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड से बाहर सारे लोग जानते हैं, हमारे रुद्रप्रयाग के मशहूर ब्लॉगर पहाड़ी बाइकर भैया जी है। तो यहाँ पे अगला सवाल है, लोग आपके ब्लॉग में गाने क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे सामने आते हैं या फिर मेरे कैमरे के सामने आते हैं सब खुश हो जाते हैं, सबका मन एकदम हर्षो उल्लास से भर जाता है। तो मैं किसी से अगर इतना भी बोलूं कि आपको गाना आता है तो तुरंत ही दो लाइन वहां पे जो अपने पुरानी यादें हैं उनसे रिलेटेड गाने हो या फिर जो आजकल के नए गाने हो सारे लगा देते हैं। तो आप लोग कैसे लगते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, कॉमेडी बुआ कहाँ है आजकल? बिल्कुल दोस्तों, आजकल जो कॉमेडी बुआ जी हैं वो काफी व्यस्त हैं, अपने बैलों को जंगल यानी कि चारा में चराने के लिए काफी व्यस्त हैं, जिस प्रकार से हमारे वीडियो में आजकल बहुत ही कम दिखती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगले महीने से ही कॉमेडी बुआ हमारे ब्लॉग में डेली दिखेगी, वो डांडा से घर आने वाले हैं तो इसीलिए नहीं दिखती थी कॉमेडी बुआ जी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला सवाल है, आप लोग इतने बड़े डंडे क्यों ले जाते हो जंगल? तो दोस्तों, जो डंडे हैं, पहले तो हमारे पहाड़ की सारी महिलाएं जानती हैं कि डंडे क्यों ले जाते हैं जंगल, उसे हम बोलते हैं सुलेठा, जिस पे हम घास लाते हैं और इसलिए हम बड़े बड़े डंडे लेकर जाते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो काफी बड़े डंडे लेकर जाते हैं क्योंकि उनका जो घास निकालने का तरीका होता है अलग ही होता है और हमारा अलग ही होता है। तो हम पहाड़ी महिलाएं या फिर लड़कियां ऐसे ही पहाड़ों में अपने जंगलों में डंडे लेकर जाती हैं घास के लिए। तो अगला सवाल है यहाँ पे, अगर हमारा पहाड़ खूबसूरत है तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं कि बताइए? चलिए दोस्तों, ये खास क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको खास तरीके से देते हैं। हमारा पहाड़ वाकई बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुकून हमारे पहाड़ में है, लेकिन बात यह है कि हमारे पहाड़ में जो है पलायन हो रहा है वो हो रहा है रोजगार की वजह से, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना रोजगार है, रोजगार के साधन नहीं है। और दूसरे हम बात करें, जो बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे पहाड़ी लोग सभी कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अपनी मेहनत, पहले तो मेहनत करो, लास्ट में आप लोग हमारे ब्लॉग में कहीं बार देख रहे होंगे कि कैसे हमारे पहाड़ों में सुअर जितने भी जानवर है उन्होंने खेती बाड़ी किस तरह से बर्बाद किया हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पहाड़ों में मतलब किसी का भरण पोषण उस प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके लिए लोगों को अपना रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उत्तराखंड से बाहर जाना पड़ता है, यही पलायन का कारण है। तो अभी अगला सवाल है यहाँ पे, आप कहाँ से होगी? बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको अपना जो एड्रेस है वो बता देती हूँ। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग और गाँव का नाम है मेरा मातगाँव भड़दार, जो की सिद्धपीठ माँ मठियाणा मंदिर के निकट है, आसपास है। तो आइए दोस्तों कभी हमारे माँ मठियाणा दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को आज का Q&A ब्लॉग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप कमेंट में हमारे लिए और भी सवाल पूछ सकते हैं, जो आप लोगों के मन में हो, दिल में हो, जितने भी सवाल हो सकते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। और जिनके सवाल छूट गए हैं उनसे दिल से माफी चाहते हैं हम लोग, अगले ब्लॉग में आप लोगों के सवाल जरूर होंगे। तो अगला ब्लॉग ये होगा दोस्तों Q&A का, कि आप लोग जितने भी सवाल करोगे नाम सहित हम आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये Q&A ब्लॉग। और इसी के साथ शुरू करते हैं आजकल पहाड़ों का जो दिनचर्या है, मौसम है, जो हमारे पहाड़ में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो आइए दोस्तों बताते हैं पहाड़ों के कामकाज। तो दोस्तों, इसी के साथ आजकल आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, हम आपको बता देते हैं कि हमारे पहाड़ों में आजकल एक जबरदस्त खबर चल रही है, जबरदस्त न्यूज चल रही है कि पहाड़ों में घुस गए हैं 22 चोर, जिसमें से लगभग 7-8 पकड़े गए हैं, बाकी जितने भी चोर हैं उनका कोई पता नहीं है कहाँ है, कैसे हैं, कैसे चोरी करते हैं। तो हम भी उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, रातों रात हमारे गांव के लोग भी लगे हैं, बाकी गांव के लोग भी लगे हैं कि कहीं घुसने गए हों हमारे पहाड़ों में चोर, क्योंकि आपको पता ही है आजकल पहाड़ों में भी ठीक ठाक लोग हैं, जिस वजह से चोर शहर छोड़कर पहाड़ों की ओर आ गए हैं, चोरों को भी पहाड़ पसंद आ गया है। बताओ दोस्तों कैसी गजब की बात है।
तो आइए दोस्तों बताते हैं पहाड़ का दिनचर्या, बढ़ते हैं आगे की ओर। आखिर दोस्तों वो चोर पहाड़ में कर क्या रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के लोग तो ज्यादातर गरीबी हैं, तो पहाड़ में आए क्यों वो चोर और किसने पहाड़ में आने का रास्ता बताया उन चोरों को, यही समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है समझ में कि पहाड़ में क्यों आ रहे हैं चोर, तो आप लोग जरूर बताएगा कमेंट में। बाकी आप लोग भी खोजबीन जरूर कीजिएगा उन चोरों की, और हम भी सतर्क रहे, सावधान रहे।